नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि मासिक धर्म पीरियड्स में दीदी हम माता की पूजा कैसे करें, कल कलश स्थापना कैसे करें और करवाएं। दूसरा आप लोगों का सवाल क्या है कि दीदी गर्भवती महिलाएं पूजा पाठ नवरात्रि में कैसे करें, व्रत 9 दिनों का रखे या ना रखे या 2 दिनों का रखे, तो ये भी न जानेंगे। तीसरी चीज क्या है कि दीदी कुंवारी लड़कियां क्या 9 दिनों का व्रत अगर रखती हैं तो माता को सिंदूर लगा सकती हैं, माता को श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकती हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग से एक चीज कहना चाहूंगी, जितना आप लोग व्यस्त है ना अपने घर में पूजा पाठ को लेकर, उतना ही सोच लीजिए मैं भी बिजी हूँ, फिर भी उसी में से अपना समय निकालकर मैं आप लोग जितना वीडियोज मांगे हैं हर चीज का वीडियोज मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अभी जस्ट अपलोड की हूँ, कुछ देर पहले आप लोग मांगे थे दीदी बिना कलश स्थापना किए बिना उपवास रखे हम माता रानी की पूजा सरल विधि से कैसे करें, तिल सिंदूर और हम साबुन सर्फ लगाएं या नहीं लगाएं, उसके लिए सब कुछ के लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। तो आप लोग ज्यादा कमेंट अब मत कीजिएगा, सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त रहूंगी। जब आप लोग व्यस्त हैं तो सोचिएगा कि मैं भी हूं, तो नहीं दे पाऊंगी, फिर आप लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसलिए ये चीज कहना जरूरी था। तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना सारा कमेंट सब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त रहूंगी। और आपको मालूम है व्रत त्योहार में काम बढ़ जाते हैं, लोगों का आना जाना, गेस्ट, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। लेकिन देखिए, जो वीडियो आप लोग इस वीडियो के लिए भी आप लोग बहुत दिन से मांग रहे थे दीदी मासिक धर्म के लिए वीडियो बताइए, तो देखिए फिर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देने जा रही हूँ। तो ये हो गया, तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों के लिए बात कर लेते हैं, जो भी लड़कियां 9 दिनों का व्रत रखती हैं। और आप लोग पूछे कि दीदी हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो क्या माता को सिंदूर लगा सकते हैं, तो जी आप सिंदूर लगा सकती हैं, कुंवारी लड़कियां भी सिंदूर लगाती हैं और शादीशुदा तो लगाती ही हैं। और आप क्या कीजिएगा, श्रृंगार की चीजें आप लोग पूछे दीदी कब चढ़ाएं, सभी लोग के लिए बता दूं, अष्टमी के दिन चढ़ाएं या प्रतिपदा के दिन, तो देखिए अष्टमी के दिन भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कलश स्थापित करते हैं कलश स्थापना करते हैं घर में, वो न पक्का प्रतिपदा के लिए कुछ न कुछ प्रतिपदा के दिन कुछ न कुछ चढ़ा देते हैं, तो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और अष्टमी के दिन अच्छे से श्रृंगार की चीजें आप लोग चढ़ा सकती हैं, और महिलाएं कुछ अपने लिए भी रख सकती हैं, लड़कियां भी कुछ अपने लिए शादी का सोच कर रख सकती हैं, और बाकी जो सुहाग की चीजें हैं आप माता के पास छोड़ भी सकती हैं या किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आप लोग दे सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आप लोग अष्टमी को ही चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो कलश स्थापना किए हैं वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वहां जरूर कल के दिन आप लोग चढ़ा दीजिएगा। मैं हर प्रकार के वीडियो चैनल पे डाल चुकी हूँ, कलश स्थापना पूजा का शुभ मुहूर्त कलश स्थापना का सब कुछ बता चुकी हूँ, क्या खाएं ना खाएं, आप जाइए मेरे चैनल पे हर प्रकार के वीडियोज आपको मिलेंगे। तो ज्यादा कमेंट्स अब मत कीजिएगा, लोग क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है, जय माता दी लिख सकते हैं आप लोग। ये हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है गर्भवती महिलाओं के लिए कि दीदी हम कलश स्थापना करेंगे तो अपने पति के साथ क्या कल बैठ सकते हैं और किस साइड बैठें, तो देखिए पुरुष के ना दाहिने साइड जो है महिलाएं बैठती हैं, तो आप दाहिने साइड बैठ सकती हैं कलश स्थापना करने के लिए, लेकिन गर्भ अवस्था में कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए बता दूं कि 3 सिर लेकर ना कभी हम लोगों को चौका नहीं बैठनी चाहिए, चौका बैठना जिसको बोलते हैं जोड़ी में नहीं बैठनी चाहिए, वो पूजा आपका सही नहीं होगा। तो केवल अपने पति को ही कलश स्थापना करने दें, आप लोग बैठकर वहां पर मतलब ना बैठे साथ में जोड़ी में, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, सही नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग 9 दिनों का दीदी व्रत रख सकते हैं गर्भ अवस्था में, देखिए हम मैं किसी को मना कैसे करूंगी, माता रानी के नाम पर आपको श्रद्धा है तो रख सकते हैं, लेकिन अगर देखें कि मतलब अगले साल आप लोग कर सकते हैं, आप लोग पूछे दीदी पिछले साल हम 9 दिनों का किए थे तो इस बार हम कैसे छोड़े, तो देखिए इस अवस्था में माता आपकी सब स्थिति समझती है, सबकी मजबूरी माँ को मालूम है, तो आप जो है केवल चढ़ती उतरती जिसको बोलते हैं प्रतिपदा और एकम के दिन मतलब 15 तारीख को और 22 तारीख को आप केवल व्रत करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसे में 9 दिनों का ना रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि व्रत व्रत ही होता है तो हर चीज आप नहीं खा सकते हैं,
इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नारियल पानी केवल जो गर्भवती महिलाएं पी सकती हैं, लेकिन आप लोग नवरात्रि के दौरान नारियल ना खाए तो ज्यादा बेहतर है। अष्टमी को चढ़ाकर उसके बाद हम लोग जो है प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो आप लोग 2 दिनों का केवल व्रत रखिए और नॉर्मल विधि से पूजा कीजिए। वो भी नहीं होता है तो केवल पूजा पाठ करके भी माता को आप लोग प्रसन्न कर सकती हैं। ये भी हो गया, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि मासिक धर्म पीरियड्स में माता की पूजा कैसे करें। तो आप लोग का सबसे बड़ा सवाल है कि दीदी कल हमारा 5 दिन हो जाएगा, तो क्या घर में ब्राह्मण को बुलाकर कलश स्थापित करवा सकते हैं, खुद से कर सकते हैं? तो जी, अगर 5 डेज हो गया है तो माता जो है ना महिला है, और महिला की पूजा 5 दिनों पे करते हैं। किसी भी तरह का आप लोग टेंशन और दुविधा में ना रहे। लेकिन जो भी आपके मंदिर में पुरुष जो देव हैं, उनको देवों को आप लोग न छुएं। जो देवियां हैं उनको आप लोग स्पर्श कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। देवों की पूजा 6ठे दिन से करें। अगर आपके घर में आपका बच्चा है या आपके पति हैं, उनसे पूजा करवा दीजिए, जो बाकी देवता बच जाते हैं। लेकिन माताओं की पूजा आप लोग कर सकती हैं। कल के दिन आप लोग किसी प्रकार का टेंशन ना लें। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और बहुत अधिक हिम्मत मिलती है। और आगे भी जो व्रत आने वाले हैं उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी, तो आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और आप लोग पूछे दीदी पाठ इस दौरान कैसे करें, तो देखिए वीडियो तो डाल चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि देखिए अगर लास्ट में होने वाला है, 9 दिन का दिन है तो कभी ना कभी तो होगा ही, तो आप क्या कीजिएगा कि इधर ही जितना पाठ आपका निकल जाए, जो सप्तशती दुर्गा का पाठ है वो आप लोग करके खत्म कर दीजिएगा, या तो लास्ट में 1 दिन में 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बार पाठ किया जाता है। या अगर जिनसे नहीं हो पाता है वो 13 अध्याय 9 दिन में धीरे धीरे पढ़ के जाते हैं, मतलब 1 बार ही पढ़ते हैं 9 दिनों के दौरान। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार का, मैं पाठ की विधि सब बोलकर डाल चुके हूँ बताकर। ये हो गया, तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और बीच में आप लोग पूछे हैं कि मान लीजिए कि अखंड ज्योति हम जलाएंगे तो दीदी बीच में ऐसा हो जाए तो फिर कौन दिया को संभालेगा? तो देखिए इस चीज को आप लोग मन में पहले ध्यान से ध्यान रखिएगा, अखंड ज्योति तो जलानी है। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करवाए हैं तो आप ब्राह्मण से भी पूछ लीजिएगा, अगर कलश स्थापना जब करवाते हैं ना तो बिना ज्योति का ना, बिना अखंड ज्योति का मतलब अच्छा सही नहीं माना जाता। और जो है कलश स्थापना एक अलग ही चीज है, बहुत ही मतलब महान चीज है, हर आदमी नहीं कर पाता, इतना आसान भी नहीं है। आप जैसे तैसे चाहें कि हम कलश स्थापना कर दिए फिर विधि विधान से नहीं निभाएंगे तो ये सही नहीं है। अगर आप कलश स्थापित श्रद्धा भाव से कर रही हैं तो आपको एक दीपक कितना तेल लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगता है, 1.5-2 लीटर लगेगा, उससे कम ही लगता है, सब बच जाता है। तो मुझे भी अंदाज नहीं है जितना खत्म होता है, मंगा लेती हूँ, लेकिन फिर आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको अखंड ज्योति पक्का जलानी है, ठीक है। और दिया को जब साफ कर रहे हैं तो एक साइड से दिया वगैरह आप लोग जला लीजिएगा, मतलब प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं तो वो दिया 1 सेकंड के लिए भी बुझनी नहीं चाहिए। तो साफ करिए तो एक साइड में जला कर रख के फिर साफ कीजिएगा। और गलती से मान लीजिए कभी बुझ जाता है हवा से या चूहा वगैरह से, इतना आपको दिल में दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। गलती सबसे होती है, जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, तो घबराइएगा मत आप लोग। गलती से अगर बुझ जाए तब कोशिश करनी है कि ना बुझे, बीच में उठ उठ कर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए ऐसी स्थिति में आपके पति अगर घर में है तो उनका पूरा आप लोग सहारा लीजिए। जो ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, सास है, घर में और भी लोग हैं तो वो भी कर देंगे, तब तो चिंता ही आपको नहीं करनी है। लेकिन मान लीजिए कि अब कोई नहीं है, हस्बैंड भी दूर रहते हैं, तो आप ऐसे में इतना भारी मत उठाइए। अगर 5 साल का नियम करना है तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको श्रद्धा है और फिर बीच में ऐसा होने वाला है, पता तो आपको है ही डेट अपना, तो आप मत कीजिए, केवल नॉर्मल विधि से माता की पूजा पाठ कीजिए। और मान लीजिए कि भोग वगैरह लगाना है तो बच्चा होगा तो बच्चे से लगवा दीजिएगा, घंटी बजवा दीजिएगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए कलश स्थापना में बहुत नियम विधि है, उसको अच्छे से नहीं निभाइएगा तो उसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगता है। लोग सोचते हैं कि हम तो माता की पूजा बड़े अच्छे से किए थे, फिर ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ? तो कलश स्थापना इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे कठिन परिश्रम है, पाठ करना होता है आपको। अगर घर में कलश स्थापना की है तो पाठ आपको 9 बार 9 अध्याय करना है, ठीक है, 9 बार पढ़ते हुए उस पुस्तक को जानी है। दूसरी चीज क्या है कि अखंड ज्योति पक्का जलानी है, कोई माने ना माने, देखिए हर घर के नियम अलग है,
लेकिन कलश स्थापना के पीछे बहुत विधि विधान है, तो आप देख लीजिए, अगर करने में सक्षम है तो आप लोग कर लीजिए, अगर ऐसा बीच में सब सही है तो आप लोग बैठा सकती हैं, अगर नहीं है बीच में इस प्रकार का डर है तो आप लोग मत कीजिए, केवल माता को नॉर्मल विधि से पूजा पाठ कीजिए। मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, उससे भी हमारी माता प्रसन्न रहेगी। और कोई नहीं है तो आसपास के लोगों से भी आपको मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप माता को कैसे रखिएगा, मंदिर को सूना कैसे रखिएगा, बिना धोए पोछे फोटो को, बिना भोग लगाए कैसे रखिएगा। नवरात्र में जब आप माता का आह्वान किए हैं, माता को अपने घर बुलाई हैं, तो ऐसे तो आप रख नहीं सकते, आपको वहां साफ सफाई करना ही पड़ेगा, दीपक प्रज्वलित करना ही पड़ेगा, तो ये सभी कार्य आपको करनी है। और बीच में ऐसा हो जाता है तो पति है तो उनसे पूरा आप लोग सहारा ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना उनसे होगा बोलिएगा, जितना उनसे होगा उतना ही वो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जितना विधि से करती हैं उतना वो लोग करें, नहीं, वो केवल एक भोग भी लगा देंगे ना बर्तन धो के भगवान का, और एक दीपक जला देंगे ना, उनका पूजा उतना ही बहुत है, और विधि विधान से करें तो और भी अच्छा है। और कोई नहीं है तो बच्चे से केवल भोग लगवा दीजिए, सारी बातें क्लियर हो गई। और आप लोग 3 दिन 4 दिन में माता को स्पर्श ना करें, 5 दिन हो गया है तभी आप लोग माता को स्पर्श कीजिएगा। और कल के दिन आप लोग बाल धो सकती हैं, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप लोग बाल धो सकते हैं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, नवरात्रि में बाल धोया जाता है, ठीक है। और शैम्पू साबुन किया जाए कि ना किया जाए तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ऐसे भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ समझा चुकी हूँ। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।